ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज आप लोगों को सबसे पहले तो गाइज इस बैकग्राउंड को देख रहे हो गाइज आप, ठीक है। आप इस टाइप का जो है फोटो आपको क्लिक करवा लेना है, देन उसके बाद आप सभी को चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज यहाँ से आप सभी को ऐड करना है कैमरे का पीएनजी, ठीक है। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज इस पीएनजी को जो है आप जैसे पोज रखोगे गाइज इस टाइप का, तब उसको गाइज आप लोग सिंपली कुछ अपने इस हैंड में इस तरीके से रख देना है, ठीक है। एंड पोज वगैरह आप ध्यान से देख लेना गाइज, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का रखना है, बाकी अगर आपको कुछ इसमें एरिया अगर इरेज करना टाइप दिखे तो गाइज आप उसको इरेज कर लेना। बाकी मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ इरेज करने की जरूरत है मेरे को, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पर कुछ इस टाइप से रख लूँगा। एंड गाइज एक सबसे मेन चीज़ गाइज इसको डन करने से पहले जो आप लोग को यहाँ पर शेडो जरूर बना लेना है, एंड उसको बनाने के लिए आपको सिंपली ऐड फोटो में चले जाना है। एंड उसके बाद बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है इसको ऐड कर लेना है। एंड गाइस इसको ऐड कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको गाइस फुल स्क्रीन करना है। एंड फुल स्क्रीन कर देने के बाद गाइस आपको इसको नीचे मूव डाउन कर देना है, एंड इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट कर देना है। ब्रश लेना है, ब्रश का साइज छोटा करके एंड यहाँ पे जो है गाइस आपको नीचे की साइड में शेडो बना लेनी है। ओके गाइस सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे सिंपली अपनी फोटो को जहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि गाइस रीटच करके हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक अमेजिंग फोटो बनानी है इसको, तो गाइस आप रीटच वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। बाकी गाइस हमने यहाँ पे फोटो को ऐड कर लिया, आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे लाइट वाला ऑप्शन में। लाइट वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है, हाईलाइट्स को जो यहाँ पे माइनस प्लस कर देना है, एंड जो शेडो है इसको भी इंक्रीज कर देना है, जो व्हाइट है इसको यहाँ पे माइनस कर देना है, ब्लैक को इंक्रीज कर देना है। फिर चले जाना आपको कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर चाहो तो कम कर देना। फिर उसके बाद आपको मिक्स में जाना है, एंड उसके बाद ऑरेंज कलर आपको सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको माइनस करना है, लूमिनस बढ़ा देना है अपने फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको जाना है येलो कलर में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड जो ग्रीन है इसका भी सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड जो जितने भी कलर है आपको सबका सैचुरेशन माइनस कर देना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे इसका डार्क ब्लू है जिसका भी सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड उसके बाद कर देना आप सभी को अपनी फोटो को डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को चले जाना है पे सिलेक्टिव टूल में, सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, एंड प्लस पे क्लिक कर देने के बाद जो गाइस आपको नीचे से सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपको उसको ले लेना है, एंड इसके बाद आपको इसको इस तरीके से बनाना है, एंड उसके बाद एक्सपोजर में जाकर आपको जो इसका एक्सपोजर यहाँ पे कम कर देना है। ओके गाइस सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको कलर के नीचे वाला जो टूल है इसमें जाना है आपको। पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आपको पहले जो यहाँ पे इसको डन कर लेना है, एंड उसके बाद जो आपको कलर के नीचे वाला जो टूल दिख रहा है आपको आपको सिंपली इसमें चले जाना है, एंड यहाँ पे आपको क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, एंड क्लियरिटी को इंक्रीज करने के बाद आपको फोटो में विग्नेट डाल देना है, एंड विग्नेट डाल देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर और कोई टूल नहीं है जो आपको छेड़ना हो, उसके बाद आपको नीचे वाले टूल में जाकर आपको फोटो की शार्पनेस बढ़ा देनी है, नोटबुक्स में बढ़ा देना है, एंड इसके जो कलर नोटिफिकेशन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली हमारी फोटो जो है वह कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस ऐसा करता हूँ, और आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस मैं मिलता हूँ उस बजे किसी और नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।